किसी भी फील्ड की बात कर लें, 2024 हर जगह से चौंकाने वाले परिणाम लेकर आ रहा है। क्या आपने सोचा था कि G20 वर्ल्ड कप 2024 में न्यूजीलैंड जैसी टीम सुपर 8 में नहीं पहुंच पाएगी? स्वागत है आपका ESPN क्रिकेट फॉर हिंदी में। जी बिल्कुल, टारुबा में ग्रुप सी का मुकाबला खेला गया वेस्ट इंडीज और न्यूजीलैंड के बीच, जहां पर वेस्ट इंडीज ने 13 रन से शिकस्त देते हुए सुपर 8 में जगह बना ली है, क्योंकि ये इनकी तीसरी जीत थी। लेकिन न्यूजीलैंड के लिए परेशानी बढ़ गई। हालांकि अभी भी ऑफिशियली वो बाहर नहीं हुए हैं, लेकिन कैसे बचे हुए हैं वो हम आपको बताते हैं। वो इस तरीके से कि अफगानिस्तान के दो मुकाबले बचे हैं, उनको खेलना है PNG और वेस्ट इंडीज से, और जैसे ही अफगानिस्तान को इन दो मैचों में एक अंक मिल जाता है, या फिर वो एक जीत जाए या वॉश आउट हो जाए, तो आधिकारिक तौर पर न्यूजीलैंड का सफर हो जाएगा समाप्त। और ये सब हुआ चमत्कारी रदरफोर्ड की बदौलत। क्या शानदार पारी खेली, 39 गेंदों पर 68 नाबाद, और वो भी उस समय में जब वेस्ट इंडीज ने काफी विकेट्स खो दिए थे, दबाव में थी। आखिरी दो ओवर कमाल की बल्लेबाजी, जहां मिचेल के 19वें ओवर से आए 19 रन, और आखिरी ओवर सैंटनर ने किया उनके ओवर से आगे 18 रन। अब ये सोचने वाली बात है और विचार करने वाली बात है कि क्या आखिरी ओवर एक स्पिनर द्वारा किया जाना चाहिए था। कमाल का पलटवार किया है वेस्ट इंडीज ने, ये इसलिए क्योंकि अगर आप देखें तो पावर प्ले में ही उनके 4 विकेट 23 रन पर गिर गए थे। ऐसा लगा कि शायद उनकी मुश्किलें बढ़ जाएंगी, और ऐसा हुआ भी जब 76 रन पर 7 विकेट गवा दिया था वेस्ट इंडीज ने, उसके बाद ये वापसी हुई। अगर फेज दर फेज आप देखें तो पावर प्ले में 23 रन पर 4 विकेट, मिडिल ओवर्स में 54 रन पर 3 विकेट, उसके बाद 35 रन पर 2 विकेट, और फिर आखिरी का जो 2 ओवर था उसमें 37 रन आता है, वहां से पासा पलटता है, स्कोर ऐसा पहुंचता है जहां पर गेंदबाजों के लिए एक फाइट रहती है। अब बात कर लेते हैं न्यूजीलैंड के चेज की। हालांकि चेज बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन दबाव जरूर था। दबाव इसलिए भी था क्योंकि पिछले मुकाबले में अफगानिस्तान के खिलाफ वो 75 रनों से हारे थे, और इस मुकाबले में हार का मतलब उनके लिए सुपर 8 के दरवाजे करीब करीब बंद। कुछ वैसा ही हुआ जब टॉप ऑर्डर बल्लेबाज पूरी तरीके से फेल नजर आए। एक बार फिर गुडाकेश मोती ने शानदार गेंदबाजी की, ऊपर के बल्लेबाजों को परेशान किया, 4 ओवर 25 रन 3 विकेट। लेकिन अब बारी आती है उसके बाद की। मिडिल ऑर्डर बैटर गिलन फिलिप्स की अगर बात करें तो उन्होंने कोशिश जरूर की थी, शानदार पारी उन्होंने खेली, लगा कि शायद मैच को उस पार ले जाएंगे। हालांकि कुछ मौके भी मिले, निकोलस पुरन ने रनआउट का मौका गवाया, कुछ कैच छूटे, पर आखिर में अल्जारी जोसेफ का वो ओवर जहां पर 2 विकेट लेते हैं, हैट्रिक के ऊपर आ जाते हैं, उसने पासा पलट दिया। अल्जारी जोसेफ ने 4 ओवर में 19 रन देकर झटका 4। तो इस तरीके से मेजबान वेस्ट इंडीज 2 बार की वर्ल्ड चैंपियन एक बार फिर सुपर 8 में यानी अगले दौर में पहुंच चुकी है, पर न्यूजीलैंड के लिए शायद उम्मीदें खत्म है। अभी भी थोड़ा सा जो समीकरण है जो हमने शुरू में बताया वो बाकी जरूर है, लेकिन उन्हें भी पता है शायद अब वक्त आ गया है इस टूर्नामेंट को कहने का टाटा।